तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं वर्कबुक के ऊपर एक प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट क्या है इस चीज को समझिए। बेसिकली एक काम मैं बहुत साल पहले जब एक कंपनी में काम करता था तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर था, तो उस सॉफ्टवेयर में छोटी सी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें जब डेटा की डाउनलोड करना होता है तो हम जाते हैं, क्लिक करते हैं, डाउनलोड होता है, स्ट्रैक करते हैं, डेटा स्ट्रैक हो जाता है एक्सेल फाइल में। और उस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्या थी कि वो डेटा डाउनलोड या स्ट्रैक नहीं करता था और डेटा ओवरराइट करता था। मतलब कि आपको उसको एक फाइल देना होता था कि भाई डेटा इस फाइल में डालना है, तो वो उस फाइल में डेटा डाल देता था। तो हमें डेली बेसिस पे डेटा लेने होते थे, तो हमें डेली बेसिस पे एक फाइल को सेव करके फिर उसका लोकेशन देने पड़ता था। तो हम इसको डेट वाइज मेंटेन करते थे। जैसे आज डेट है तो मैं 2020 के फोल्डर में जाऊंगा, सब में जाऊंगा नवंबर के फोल्डर में, और आज डेट है 3 तारीख तो 3 तारीख के फोल्डर में जाऊंगा, फिर 3 नाम का डाटा डालू। तो मुझे करना क्या होता था, मैं मैनुअल समझाता हूं कि मैं डेली बेसिस में करना क्या होता था। पर डे काम करना होता था मुझे। मुझे जाना होता था अपने ड्राइव में, जैसे कि मैं चला गया अपना एफ ड्राइव में, 2020 का फोल्डर बना हुआ, अगर ठीक है नहीं बना है तो बनाता हूँ। फिर 2020 में महीना कौन सा चल रहा है हमारा, 11 महीना हमारा 11 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 11 नाम का फोल्डर बनाऊंगा और इस 11 के फोल्डर के अंदर में आज तारीख है 3, तो 3 तारीख का फोल्डर बनाऊंगा और फिर इस 3 तारीख के फोल्डर में फिर मैं एक फाइल एक्सेल फाइल जनरेट करूंगा, उसका नाम 3 होगा। फिर मैं सॉफ्टवेयर को लोकेशन दूंगा तो सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर लेगा। ये चीज हमें नियम से करना पड़ता है, कोई एरर नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, लोग डेट में कंफ्यूज होते हैं, 2 की जगह पे 3 तारीख समझ देते हैं या 3 की जगह पे 2 समझ लेते हैं, तो ऐसी गलती हो सकती थी। तो हम चाहते थे कि हमें एक ऐसा मैक्रो बनाए जिस मैक्रो को रन करे तो ऑटोमेटिकली 2020 का फोल्डर बना दे, उसके अंदर 11 का फोल्डर बना दे, उसके अंदर 3 का फोल्डर बना दे, उसके अंदर 3 तारीख का फाइल दे दे और डेट के हिसाब से हर बार चेंज होता रहे। तो सचिन जी, आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है? हाँ सर। चलिए अब इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले हमें कोड जानना होगा कि किसी पर्टिकुलर फोल्डर को बनाने का कोड क्या है, और माइक्रो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल सब्जेक्ट आरआर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहां पे एक फॉर्मूला होता है MKDIR, मेक डायरेक्टरी का शॉर्टकट होता है MKDIR, और फिर आपको यहां पास देना होता है कि आपको कौन से पास में बनाना है। तो मुझे एस ड्राइव में 2020 का फोल्डर बनाना है, तो जो फोल्डर बनाना है उसको लास्ट में लिख दीजिए। तो ये क्या करेगा, 2020 का फोल्डर बना देगा। फिर मुझे 2020 के अंदर मुझे क्या करना है, 11 का फोल्डर बनाना है, फिर मुझे 11 के अंदर का फॉर्मूला, तीन एक बार में एक ही काम होता है, तो जितने काम उतने बार कोड आपको लिखने पड़ेंगे। और फिर मैं यहां पे करूंगा वर्क बुक डॉट एड, और मुझे पता है कि मुझे एड के साथ साथ सेव भी करना है, तो डायरेक्ट सेव कर दूंगा, सेव एज कर दूंगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझाया था। क्या सर? हाँ। तो ए कर दिया हमने, और इस पर हम कर देते हैं /3.xlsx, समझ गया? अब मैं इस माइक्रो को रन करूंगा तो ये माइक्रो 2020 का फोल्डर बनाएगा, 2020 के अंदर 2011 का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर 3 का फोल्डर बनाएगा।
और एक फाइल को क्रिएट करेगा, उस फाइल को सेव कर देगा। लेकिन बात यह है कि फाइल को सेव तो कर दिया, लेकिन फाइल तो ओपन ही है, हमें फाइल को क्लोज नहीं करना। जब तक ओपन रहेगा तब तक उसके अंदर कुछ डेटा डायरेक्ट नहीं डाला जा सकता ना सर, ओवरराइट नहीं किया जा सकता, हमें उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे बर्थ बुक्स डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, समझे? इक्वल टू नहीं लगा सर, नहीं इक्वल नहीं देना, ट्रू कर दिया। ये मेथड है ना, मेथड में इक्वल नहीं लगता, प्रॉपर्टी में इक्वल लगता है। सर कैसे बचाएं कि कोई मेथड है या प्रॉपर्टी? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, दो तरीके। एक तो स्पेस मार के एक्सप्रेशन आ जाएगा, जैसे आपने क्लोज लिखने के बाद स्पेस किया था ना, ओके वर्कबुक नहीं होगा हमारा, होगा एक्टिव वर्कबुक होगा, मार दीजिएगा वर्क बुक, ठीक है? स्पेस आप लगाया आगे नीचे। और दूसरा होता है कि इस पे आप जो डॉट लगाएंगे तो इससे हैंड का निशान बना हुआ, वो आपका प्रॉपर्टी है, और जिसमें ग्रीन कलर का बॉक्सेस है वो मेथड है। तो हैंड के निशान जो होगा उसमें इक्वल लगेगा और बॉक्सेस भी आपको सॉरी स्पेस लगेगा, ठीक है? ठीक ठीक है सर, क्लियर है? तो क्या लग रहा है, ये हमारा कोड सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इस कोड में? देखिए एक बार ध्यान से, वर्कबुक डॉट ऐड ये वाला एक्सेल सारे कोड, सारे कोड को देखिए, सारे कोड सही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें? यही होता है सर, वीबीए में आपको हर एंगल में सोचना होता है। 2020 का फोल्डर बना हुआ है एलओडी, तो क्या लग रहा है एक नाम के दो फोल्डर एक लोकेशन में बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना। अच्छा मैंने 2020 का फोल्डर डिलीट कर दिया तो आज ये मैक में चल जाएगा, कल कल तो 2020 11 रहेगा ही रहेगा क्या? क्या बोले क्या बोल रहे मतलब ये हुआ कि अगर आपका फर्स्ट टाइम ये मैक को रन कर जाएगा बनाने की कोशिश की तो सेकेंड टाइम आपको एरर देगा, क्योंकि हमें 2020 का फोल्डर साल में एक बार बनाना है, मंथ का फोल्डर हमें महीने में एक बार बनाना है जी। तो कल के डेट में मैं 2011 के अंदर ही चार नाम का फोल्डर बनाऊंगा ना, चार के अंदर चार नाम का फाइल डालूंगा, समझ गए? तो पहली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे फोल्डर बना है तो स्किप करे, उसी के अंदर चला जाए, अगर नहीं बना है तो बनाए। तो बना है तो क्या होगा, जैसे इस मैक्रो को मैं रन करूंगा मुझे एरर दिखाएगा, फाइल पाथ एरर, डिबग कीजिए आपको इस लाइन में एरर देगा। तो हमारे पास एक कोड होता है वर्क, सॉरी कोड होता है ऑन एरर, अलग अलग इतना होता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इसका एक क्या करता पता है कि जैसे ही स्लाइड में एरर होगा सीधे ही स्लाइड को स्किप करके अगली लाइन रन कर देगा, अब जिसने भी एरर आया तो सीधे उसके अगली लाइन को रन कर देगा, मतलब जिस लाइन ऑफ कोड में एरर होगा उसको स्किप करके अगले लाइन को फॉरवर्ड कर देगा, एरर को स्टोर नहीं करेगा, समझे जी? मतलब ये एरर आने पे आपका माइक्रो नहीं रुकेगा, जिस लाइन में एरर है उसको स्किप करके उसकी अगली लाइन आपको शो कर देगा। ओके सर, समझ गए जी, क्लियर है? हाँ हाँ। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। हाँ सर, अब दूसरी प्रॉब्लम सोचिए। अब क्या हुआ कि ये तो फिक्स, हम यहाँ पे 2020 11 3 तो फिक्स कर दिया ना सर, लेकिन तो कल के डेट में मुझे मान लीजिए मुझे चार का फोल्डर करना होगा तो मुझे यहाँ भी चार वो करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी चार को ये डालना पड़ेगा, फिर यहाँ भी चार डालना पड़ेगा ना सर। हाँ सर, कस्टमाइज करना चेंजिंग करेंगे उसे, अच्छा हम डायरेक्ट जाकर फोल्डर ना फाइल बना दे। हाँ सर, मैनुअल ना कर ले, फिर देखो डायरेक्ट मैक्रो को रिटर्न करें हम, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो मेरे सिस्टम गेट से कनेक्ट होना चाहिए,
तो चलिए इसको पहले एक्सेल पे समझते हैं। तो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हमारे पास टुडे का फॉर्मूला होता है। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है और ये हर दिन चेंज होता है, समझे जी। उसके बाद हमारे पास एक ईयर का फॉर्मूला होता है जो कि ईयर अलग करता है, मंथ का फॉर्मूला होता है जो कि इसमें से मंथ को अलग करता है, और डे का फॉर्मूला होता है जो कि इसमें से डे को अलग करता है, समझ गए। अब अगले दिन जो फाइल चलेगी तो ये तीन जो है चार बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये तीन या चार अपडेट हो जाएगा, ये फुली तरह से डायनेमिक हो गया। और मैंने एक्सेल में एक्सप्लेन किया, मुझे कोड पे चाहिए ना, रिव्यू कोड पे चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे हम ईयर का फोल्डर लगा सकते हैं, ईयर, और यहाँ पे हमने डेट दे दिया। अब डेट क्या है, जैसे एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला था क्योंकि करेंट सिस्टम डेट देता था, ऐसे ही रिव्यू में डेट का फॉर्मूला होता है, समझे। ओके जी। तो डेट किसको देगा, ईयर को देगा। ईयर क्या करेगा, उस डेट में से 2020 को अलग करेगा, बट अलग करके रखेगा कहाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना सर, हमें एक्सेल पे ही कोई फॉर्मूला लगाने के लिए एक सेल चाहिए होता है ना, हम बिना सेल बिना किसी सेल पे गए फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं। उसी तरीके से ए कहाँ पे अपना रिजल्ट अपडेट करेगा, तो जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग बनाते थे तो एक्स वाई जेड ले लेते थे ना, कि एक्स सपोज एक्स इक्वल टू 100, एक्स क्या होता था, ऐसे ही मान लेते थे आप एज ए वेरिएबल, तो ऐसे ही मैंने वाई मान लिया कि वाई इक्वल टू ईयर। तो ईयर क्या करेगा, डेट में से 2020 निकाल के वाई पे स्टोर कर देगा। बीवीए में वाई एक वेरिएबल हो गया, मतलब कि टेम्परेरी सेविंग लोकेशन, एक ऐसा लोकेशन जो कि टेम्परेरी वैल्यू को सेव किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, अब मुझे जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे इसको यूज कर लेंगे, समझे। अब बोलेंगे सर आपने एंड परसेंट क्यों लगाया, को कॉन्कैटिनेट करने के लिए सर। जी हाँ, तो क्योंकि ताकि दोनों, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक अलग सेल पे इस तरह से दिया हुआ है, फिर दोनों को मर्ज करना है, तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया, तो इस तरह का एड्रेस बन जाएगा, और हमें इसी तरह का चाहिए ना यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए। उसी तरीके से मंथ m इक्वल टू मैंने लगाया मंथ का फॉर्मूला, और मंथ के फॉर्मूले में मैंने दे दिया डेट, इस तरह से डे का फॉर्मूला लगाया और इसके अंदर डे का लगाया, डेट डे टाइप किया और इसके अंदर डाल दिया डेट। और यहां हम जो है 2020 कॉन्कैटिनेट किया हमने ईयर को, फिर कॉन्कैटिनेट स्लैश चाहिए होगा ना, फिर हमने मंथ कर दिया, ठीक है। और यहां भी हमके लिए क्या किया, सॉरी 2020 हटाना पड़ेगा यहाँ पे, इसमें ये 2020 नहीं रखना होगा ना, फिर यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमने 2020 मतलब वाई को किया, फिर स्लैश दिया, फिर मैं मंथ को किया मर्ज, फिर स्लैश किया एंड फिर हमने स्लैश दे दिया, हमने स्लैश दिया और फिर हमने किसको किया डे को किया, समझे। तो अब क्या हो गया कि ये ऑटोमेटिक हो गया, पहले क्या करेगा सिस्टम डेट से ईयर को निकाल के वाई पे स्टोर कर देगा, मंथ को लेके मंथ निकाल के एम पे स्टोर कर देगा और डी निकाल के डे पे स्टोर कर देगा, ठीक है जी सर। फिर जहां जहां चाहिए वहां वैल्यू देगा, यहाँ एक कॉलम में वाई ना वाई पे जो वैल्यू स्टोर होगी 2020 उसका फोल्डर बना देगा, इसके बाद 2020 के अंदर जो एम पे फोल्डर स्टोर होगा, मान लीजिए 11 है तो 11 का फोल्डर बना देगा, ऐसे ही एम के अंदर जो 3, 4, 5 जो भी स्टोर होगा उसका नाम का फोल्डर बना देगा। लेकिन अब मुझे फाइल भी तो सेव भी तो उसी तरह से ऑटोमेटिक लोकेशन में करना है, तो उसी एड्रेस को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे हमने स्लैश किया और फाइल नेम भी तो देने, तो डी हमारा फाइल नेम है यहाँ पे डॉट एक्सेलेस एक्स कर दिया हमने, अब ये पूरी तरह से ऑटोमेट हो गया,
एक बार क्या करता हूँ, मैं अपने इसमें जाता हूँ न्यू ईटीआर में 2020 में, 11 नाम का फोल्डर मैंने नहीं बनाया, नहीं है ना 11 नाम का फोल्डर, चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं इसको फाइल नेम क्या है सर? फाइल नेम डी है ना, इधर डी। अच्छा, मतलब अपने से हम लोगों ने बोला कि डी नाम का कोई फाइल होना चाहिए। नहीं नहीं डी पे जो वैल्यू स्टोर है उसका डेट का वायर, समझे? अगर मान लीजिए डी सिर्फ होता तो इन्वर्टर कोमा में ना होता, जैसे डॉट एक्सलेक्स इन्वर्टर कोमा में है, इन्वर्टर कोमा में है, ये वेरिएबल है, तो ये जो डी के ऊपर जो वैल्यू स्टोर करेगा डे फॉर्मूला, डे फॉर्मूला क्या करेगा, सिस्टम डेट में से डे को निकालेगा, 3, 4, 5 जो डेट होता है उसको निकालेगा। अच्छा हाँ, समझ गया समझ गया, समझ गया ना। अब चलिए इसको रन करते हैं। अब रन हुआ तो कुछ मैसेज नहीं दिया, तो आप यहाँ पे मैसेज ले सकते हैं, यहाँ पे एम एस जी बॉक्स फाइल क्रिएट, ठीक है, मैसेज दे। अब प्रॉब्लम है, आप देखिए एक बार देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ 2020 का अंदर 11 का फोल्डर बन गया, 11 के अंदर 3 का फोल्डर बन गया, उसका 3 नाम का फाइल आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पे 3 नाम का फाइल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कंप्लीट डेट का फाइल चाहिए, कंप्लीट डेट का फाइल चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इसके जगह पे डेट लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग इसके जगह पे डेट लगा देते हैं, लेकिन क्या सही लग रहा है, डेट सही है नहीं, क्योंकि फाइल के अंदर में जैसे 11 स्लैश नहीं, स्लैश दिख रहा है, स्लैश नहीं लेगा, समझे? क्योंकि फाइल नेम फोल्डर नेम स्लैश नहीं लेता है तो डेट वर्क नहीं करेगा। तो डेट को जो डेट है इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग टेक्स्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में, डीडी स्लैश एमएम स्लैश ट्रिपल एम कर देता हूं, एमएमएम स्लैश वाई वाई। आया 3 नवंबर 2020, तो लेकिन टेक्स्ट का फॉर्मूला वीवी में सपोर्ट नहीं करता है। अब दूसरी चीज है, मुझे कैसे पता चला कि टुडे का फॉर्मूला या टेक्स्ट का फॉर्मूला वीवी का सपोर्ट नहीं करता है? आप यहां लगाइए टेक्स्ट का फॉर्मूला, नीचे एक्सप्रेशन आया नहीं, ना आया नहीं, टुडे का फॉर्मूला नीचे एक्सप्रेशन आया नहीं आया, लेकिन मैं ईयर का फॉर्मूला लगाया था तो नीचे एक्सप्रेशन आ गया ना, मतलब ये वीवीए को सपोर्ट करता है। तो जो फैक्चुअल फॉर्मूले वीवीए को सपोर्ट करते हैं जैसे लगाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह का आ जाएगा। तो वीवीए अब टेक्स्ट नहीं सपोर्ट करता है, तो जो सपोर्ट नहीं करता उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है, जैसे कि टुडे को सपोर्ट नहीं करता है तो अब टुडे के जगह पे डेट का फॉर्मूला है, समझ गए जी? ऐसे टेक्स्ट के जगह पे यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है और फॉर्मेट का, सॉरी गलती हो गई, हाँ यहाँ पे देंगे फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन और इसमें देते हैं डेट कॉमा इसमें अपना फॉर्मेट डीडी एमएमएम, इसे हम टेक्स्ट लगाए थे, समझे? समझिए सर। सर अब आप रन करेंगे, अब मैं एक काम करता हूँ डिलीट करता हूँ इस फाइल को, डिलीट करता हूँ, मैं आपको रन करता हूँ, मैसेज आया फाइल क्रिएटेड एंड ओके। अब देखिए राइट सर, अभी कोडिंग में आपको मैसेज भेज रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्लास को, ऑल्ट प्लस आर प्रेस नहीं किया? अच्छा मैंने किया, मैं भेज देता हूँ, अब ऑल्ट प्लस आर करके सेशन रिकॉर्ड कर लीजिएगा डेली। सर मैं रिकॉर्ड करते रहता हूँ, वो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो क्या है कि ये जो जूम वाला रिकॉर्डिंग है ना सर, उसको अगर मैं रिकॉर्ड करूँ बीच में, अगर पहले जो मैं ट्रेनिंग करता था उसमें सेशन कम्प्लीट हो जाता था इसका जूम,
फिर दोबारा से वो स्टार्ट करता था, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता था तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो ये इसका थोड़ा फ्लॉ था इस जूम का। तो आपकी ईमेल आईडी क्या है? सचिन सिंह, सचिन सिंह, CSC04। CSC04 CSE है सर, CSE @gmail.com सही है ना? देख रहे ना स्क्रीन, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक, कोड मैंने आपको मेल किया है, ठीक है? अब आप क्या करें, इस कोड को अपने सिस्टम पर रन करें, बट रन करने से पहले आप इसमें अपने हिसाब, आपके आपके हिसाब से जो आपका पाथ ए ड्राइव है उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? और इसके अंदर से मैं अभी देखा कि पहले इसमें डी डला हुआ था, क्या डला हुआ था इसमें? डी डला हुआ था, मैंने फॉर्मेट किया है ना सर। अब ऐसे इसमें कम से कम पांच पांच चेंजिंग करके देखिए कि भाई फाइल सेव करे, एक नहीं दो फाइल सेव करे, पार्ट वन पार्ट टू के नाम से सेव करे, एक एक्सेलेस की फाइल सेव करे, एक एक्सेस की फाइल सेव करे, अलग अलग फॉर्मेट में उसको चॉइस कीजिए, ठीक है? ओके। तो आज आपने, आपके साथ हमने प्रोजेक्ट फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करने का एक प्रोजेक्ट किया, आपने आज आपने सीखा नया कोड क्या सीखा, दो चीजें नहीं सीखी है, दो ने चीज रन, पहली चीज सीखी कि आप जो है MKDIR में डायरेक्टरी कैसे लगाएंगे। अगर कोई कोड एरर दे रहा है और एरर जेन्युइन है, एक हुआ कि भाई आपने गलती की इसे एरर दे रहा है, एक होता है कि नहीं सिस्टम की जब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एरर दे सकता है, उस केस में ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट दीजिएगा, क्योंकि ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एरर दे रहा है ना, कभी देगा कभी नहीं देगा। अच्छा ठीक है, तो ये हमें जो जरूरी है ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट देना। जी हाँ, आपका सिस्टम के एरर जैसे आपके सामने देख रहे हैं कि फाइल अगर फोल्डर होगा तो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग है ना, अगर हुआ तो बनना कोड रन हो, ना हुआ तो कोड रन ना हो, अगर रन हुआ तो एरर देगा, तो हमने यहाँ से उसको स्किप करवा दिया, वरना मुझे एरर हैंडलिंग डालना पड़ता है, चेक पहले चेक करवाना पड़ता है, कंडीशन डालना पड़ता है कि फोल्डर पहले चेक करो है या नहीं है, अगर है तो बनाओ बड़ा ना बस बनाओ, कंडीशन लंबी कोड हो जाती, बट उसको हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट से एक लाइन में सॉल्व कर दिया। दूसरा आपने सीखा कि एक तो के फॉर्मूला कैसे लगाए जाते हैं और कुछ कैलकुलेशन, कुछ फॉर्मूले हम की रिजल्ट को कैसे स्टोर करें और फिर उसको कैसे यूज करें। ओके ठीक है, अब आप उसको अपने हिसाब से यूज कीजिए और मुझे 8-10 चेंजिंग करके दीजिए, ठीक है? ठीक है, कल की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे। किसकी सर? शीट, दूसरा ऑब्जेक्ट अपना, अपना पहला वाले तो वर्कबुक अच्छा। हो गया, उससे कुछ हमने कर भी लिया, ऐसे शीट्स पे हम समझेंगे, फिर शीट्स पे भी कुछ करेंगे, देन रेंज को समझेंगे, उसके बाद फिर हम वीडियो कांसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आपने जो मुझे वर्कबुक दिया है तो मुझे अपने हिसाब से ना उसमें फोल्डर कस्टमाइज करना पड़ेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे तभी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप कोड को समझ गए और उसको यूज कर रहे हैं। ओके ओके सर, Okay, अभी क्या है शुरुआत में, अभी क्लासेस की शुरुआत है आपकी, तो अभी मैं आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी मैं बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड कोड और बड़े बड़े लाइनिंग पढ़ाने लगूं तो आधी चीज समझेंगे आधी चीज नहीं समझ पाएंगे। नहीं सर, अगर स्लो ही चलेंगे तो समझ में आनी चाहिए बस। जी हाँ, तो अभी जो मैंने बताया उस प्रोजेक्ट को कीजिए, फिर कल हम उसी प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, ठीक है?